हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनामिका गुप्ता। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया में बनने वाला अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो डिस्टेंस का जो टाइम है वो 24 घंटे से घटकर मात्र 12 घंटे ही रह जाएगा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा होगा और 840 माइल्स इसकी लंबाई होगी। प्रेजेंट में जो हाईवे बनाया हुआ है दिल्ली मुंबई का, वो 2023 किलोमीटर्स लंबा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो जाएगा तो ये डिस्टेंस 24 घंटे से घटकर मात्र 12 घंटे ही रह जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या अमेनिटीज से ये हाईवे लैस होने वाला है और क्या क्या इसका रूट रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इसे मेंटेन करेगा। इसकी टोटल लेंथ 1350 किलोमीटर रखी गई है, जो कि 840 माइल्स रहेगी। प्रेजेंट में जो इसकी लेंथ है वो 2023 किलोमीटर है। इसके कई सारे मेजर जंक्शन होंगे। जो दो मेजर जंक्शन होंगे वो नॉर्थ एंड में DND फ्लाईवे, जो कि दिल्ली के अंदर है, और साउथ एंड में JLN पोर्ट, जो कि मुंबई में है। इन दोनों मेन जंक्शनों को ये आपस में जोड़ेगा। ये जंक्शन टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। ये सेक्शंस अलग अलग किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर रखे गए हैं, जिसके लिए टोटल 52 प्राइवेट टेंडर्स तैयार किए गए हैं। सेक्शन 1, जो कि 59 किलोमीटर्स को कवर करेगा, इसके अंदर नॉर्थ एंड में ये DND फ्लाईवे, जो कि दिल्ली में है, दिल्ली से लेकर साउथ एंड, जो कि सोना हरियाणा को जोड़ेगा। सेक्शन 2 844 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि सोना हरियाणा को वडोदरा गुजरात से जोड़ेगा। सेक्शन 3, जो कि 354 किलोमीटर लंबा होगा, ये वडोदरा गुजरात को साउथ एंड विरार महाराष्ट्र तक जोड़ेगा। और जो सेक्शन 4 होगा वो 92 किलोमीटर्स लंबा होगा, जो कि विरार महाराष्ट्र से लेकर JLN पोर्ट मुंबई तक जोड़ेगा। तो ये जो चारों सेक्शंस हैं ये अलग अलग डिस्टेंस में तैयार किए गए हैं और ये टोटल अलग अलग स्टेट को जोड़ेंगे, जिसके अंदर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट को जोड़ता हुआ ये एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही ये कई सारी मेजर सिटीज़ को भी कवर करेगा, जिसके अंदर दिल्ली, फरीदाबाद, सोना, अलवर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, मुंबई आदि मेजर सिटीज़ को ये हाईवे जोड़ेगा। प्रेजेंट में ये जो लेंथ है इसकी दिल्ली हाईवे की और दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे की, इसके अंदर इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला दिल्ली से वडोदरा और दूसरा वडोदरा से मुंबई। दिल्ली से वडोदरा का जो सेक्शन है वो एस्फाल्टिक पेवमेंट का होगा और मुंबई से वडोदरा का जो सेक्शन है वो कॉन्क्रीट पेवमेंट का तैयार किया जाएगा। इसे हाइब्रिड एनुटी मॉडल के तहत बनाया जाएगा, जिसके अंदर 40% फंडिंग गवर्नमेंट के थ्रू की जाएगी एंड 60% फंडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जो 60% फंडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स को फुल छूट दी जाएगी, पूरी आज़ादी दी जाएगी। वो अपने हिसाब से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। ये टोटल 8 लेन में बनाया जाएगा, 4 लेन ईच साइड। फ्यूचर में इसके लिए कई सारी जगह भी रिजर्व की गई है, जिसे फ्यूचर में चौड़ा किया जा सके, यानी कि ये 8 लेन से 12 लेन का बनाया जा सके। अगर ट्रैफिक का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हुआ तो इसे 8 लेन से बदल कर 12 लेन का कर दिया जाएगा। इसका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 1,00,000 करोड़ का रखा गया है। प्रेजेंट में इसका जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है वो 90,000 करोड़ का है, लेकिन आगे चल के इसकी जो प्रपोज डेट रखी गई है ख़त्म करने की इस प्रोजेक्ट को, वो 26 जनवरी 2023 रखी गई है। तो तब तक ये प्रोजेक्ट पूरा 1,00,000 करोड़ का बन के तैयार हो जाएगा। इसके अंदर कई सारे ऐसे की फीचर्स हैं, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन का बनाया जाएगा। ये जो 8 लेन एक्सप्रेसवे होगा, ये बीच में से टाइगर पैसेज यानी कि रणथंभौर नेशनल पार्क और रामगढ़ विजधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके निकलेगा। इसकी वजह से जो एनिमल का जो आने जाने का जो रास्ता होगा वो कई बार डिस्ट्रैक्ट होगा, तो उस चीज़ को कंजर्व करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि कुछ अंडर पास और ओवर पास बनाए जाएंगे एनिमल्स के लिए, जिससे कि एनिमल का जो रास्ता है वो सेव हो सके और उनके आने जाने में कोई भी दखलंदाजी ना हो। इसके लिए 3.5 किलोमीटर की ये जो टनल है वो डिसाइड की गई है। ये टनल मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ एरिया के थ्रू होकर निकलेगी। तो ये टनल से दो तरीके के अंडरपास एंड ओवरपास बनाए जाएंगे, जिससे एनिमल के जितने भी रास्ते होंगे उनको कवर नहीं किया जाएगा और इजीली उनका भी मूवमेंट हो सकेगा बिना किसी रुकावट के। इसी के साथ 75 अमेनिटीज तैयार की जाएंगी, जो कि रोड के दोनों तरफ तैयार की जाएंगी। इसके अंदर कई सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कई सारे टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाएंगे, यानी कि 75 अमेनिटीज से लेस होगा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे।
120 किलोमीटर स्पीड रखी जाएगी व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए। ये प्रपोज्ड व्हीकल स्पीड है, आगे जाके इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तैयार किया जाएगा हर 500 मीटर्स पे। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हर टोल के पास तैयार किया जाएगा। सोलर पावर लाइटिंग की जाएगी जो कि हर इंटरचेंज पे अलग अलग तरीके से तैयार की जाएगी। ये इंटरचेंज टोल प्लाजा पे एंड कई सारे जितने भी मेजर सिटीज़ के जो इंटरचेंज है वहाँ पे लगाए जाएंगे। इससे कई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो भी रिड्यूस होगा और जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको भी कई ज़्यादा ये रिड्यूस करेगा। की सेविंग्स कई सारी होंगी। ओवर 320 मिलियन लीटर फ्यूल का जो खपत है, जो ईंधन का जो खपत है वो कम होगा पूरे साल के अंदर, क्योंकि ये डिस्टेंस 25 आवर्स से 12 आवर्स का ही रह जाएगा। तो इन 12 घंटों में पूरे साल में 320 मिलियन लीटर फ्यूल का जो कंजप्शन है वो कम होगा। इससे कुल मिला के टोटल 850 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कम होगा। इससे एटमोसफियर क्लीन होगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो ये सारी की सेविंग्स और की फीचर्स कई सारे इस रोड्स इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इससे पूरी तरीके से लेस होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाए जाने के कारण कई सारे पेड़ों को काटा जाएगा, लेकिन फ्यूचर में एनएचएआई के थ्रू 1 लाख पेड़ लगाने का एक और प्रपोजल दिया गया है जो कि इस रोड के बनाने के साथ साथ उसे भी पूरा किया जाएगा। जब ये 1 लाख पेड़ लग के पूरे रोड पर तैयार हो जाएंगे तो जो ऑक्सीजन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आ जाएगा। तो जो दिल्ली से मुंबई का सफर अब तक 24 आवर्स में करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा होने वाली है। अब उन्हें दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 12 घंटे का ही सफ़र करना पड़ेगा एंड जो व्हीकल स्पीड रहेगी वो 120 किलोमीटर्स होगी, जिसे फ्यूचर में बढ़ाया जा सकेगा और इस लेन को 8 लेन से 12 लेन का भी किया जा सकता है। तो ये जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 1,00,000 करोड़ की रखी गई है। इसके अंदर दो चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं, इस प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर जो लैंड एक्विजिशन है उसका कॉस्ट भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने एजुकेशन ग्रुप में शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। एंड अगर मेरे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे ये जो भी वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर पहुँच जाए। और मैंने कई सारे ऐसे प्लेलिस्ट बना रखे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, आपके फ्यूचर में अगर आपको इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप उनको भी विजिट कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।